चर्चित राजू खान गोलीकांड का मुख्य साजिशकर्ता और उसके तीन शूटरों की गिरफ्तारी के बाद शनिवार को टाउन थाना में पुलिस की ओर से प्रेस वार्ता की गई। इस क्रम में गिरफ्तार सभी आरोपियों को भी मीडिया के सामने लाया गया। मौके पर थाना प्रभारी रामनारायण चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि गोलीकांड के मुख्य साजिशकर्ता शिवम आजाद के सहयोगी विकास कुमार के निशानदेही पर शिवम आजाद और उनके दोनों शूटर गुलाम रसूल उर्फ गप्पू और विजय हांडी को भी धनबाद से गिरफ्तार किया गया है। थाना प्रभारी ने बताया कि बस स्टैंड में वर्चस्व बनाए रखने और ठेकेदारी में हिस्सा नहीं देने का राजू खान द्वारा विरोध करने पर राजू खान की हत्या के लिए शिवम आजाद ने एक षड्यंत्र के तहत गोली चलवाया था। शूटर गुलाम रसूल और विजय हांडी ने 9mm पिस्टल को शिवम आजाद के कहने पर बराकर नदी में फेंक दिया, जबकि घटना में उपयोग किए गए मोटरसाइकिल को भूली रेलवे लाइन के नजदीक सुनसान घनी झाड़ी में छिपा दिया था। थाना प्रभारी ने बताया कि गिरिडीह एसपी व डीएसपी संजय राणा के नेतृत्व में अपराधियों को झारखंड और बंगाल में लगातार छापेमारी कर गिरफ्तार किया गया है। बताते चले कि 27 मई को ट्रांसपोर्टर व बस ऑनर राजू खान जब बस स्टैंड ऑफिस से अपने घर लौट रहे थे, तभी कांग्रेस ऑफिस के नजदीक उन पर अपराधियों ने गोली चलाई थी, जिसमें वे बाल बाल बच गए थे। इन्होंने नगर थाना में शिवम आजाद और उसके सहयोगियों पर प्राथमिकी दर्ज कराई थी। दिनांक 27/5/22 को समय करीब 9:45 बजे नगर थाना क्षेत्र के झिझरी मोहल्ला के मोड़ पर, जहां कांग्रेस भवन है, टर्निंग के पास अपराधकर्मी द्वारा शहर के जाने माने ट्रांसपोर्टर तथा बस के मालिक राजू खान पर फायरिंग की गई थी। उस फायरिंग में वे बाल बाल बच गए थे। उनके गाड़ी का शीशा फूटा था, सीट में गोली लगी थी। घटनास्थल से फायरिंग किया हुआ एक जिंदा खोखा 9mm का एक जिंदा गोली और एक खोखा बरामद किया गया था। घटना के बाद राजू खान द्वारा प्राथमिकी दर्ज की गई सीओम आजाद एवं उनके साथियों के विरुद्ध। पुलिस अधीक्षक महोदय गिरिडीह द्वारा पुलिस उपाधीक्षक महोदय श्री संजय राणा के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। छापेमारी टीम द्वारा कांड का त्वरित गति से अनुसंधान शुरू किया गया एवं झारखंड राज्य के अलावे बिहार एवं बंगाल में भी कई जगहों पर छापेमारी की गई। अपराधकर्मी का जहां जहां लोकेशन मिला वहां वहां इनकी खोजबीन की गई, छापेमारी की गई। जहां जहां सूचना मिलता था वहां वहां इनकी गिरफ्तारी का प्रयास किया गया। इसी क्रम में कल इन्हें सबसे पहले बिकी साहू को पकड़ा गया। बिकी साहू के निशानदेही पर अपराधकर्मी सीओम आजाद एवं कांड में दोनों शूटर जो गोली चलाए थे उनकी भी गिरफ्तारी हुई, जिसमें से एक का नाम अपराधी गुलाम रसूल उर्फ गप्पू है और दूसरा विजय कुमार हाड़ी है। दोनों धनबाद जिला के कुकी थाना क्षेत्र में रहने वाले हैं। घटना के संबंध में इन लोगों द्वारा अपने कांड में संलिप्तता स्वीकार गई। सीओम आजाद द्वारा बताया गया कि बस स्टैंड में वर्चस्व को लेकर तथा एक ठेकेदारी हुई थी अभी टैक्स वसूली का, उसमें अपने हिस्से को लेकर राजू खान द्वारा विरोध किया जा रहा था। इसी के कारण वह राजू खान पर जलवा हमला कराया था। वह चाहता था कि राजू खान इनके रास्ते से हट जाए ताकि ये स्वतंत्र रूप से अपना वर्चस्व बस स्टैंड पर कायम रखें।